नमस्कार, NIOS के DLM प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं बृजेश कुमार राय, असिस्टेंट प्रोफेसर विशेष शिक्षा संकाय डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ से आज आपके पाठ्यक्रम कोड संख्या 503 के उच्च लेखन के प्रकार अनुच्छेद लेखन एवं निबंध लेखन नामक विषय पर चर्चा करूंगा। सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि अनुच्छेद लेखन एवं निबंध लेखन से क्या तात्पर्य है। हम अपने मन के भावों और विचारों को अनेक प्रकार से प्रकट करते हैं, जैसे कभी विस्तार से, कभी संक्षेप में। जब हम किसी विषय पर अपने भाव या विचार विस्तार से प्रकट करते हैं तो उसे निबंध लेखन कहते हैं, किंतु जब हम किसी विषय पर अपने विचार संक्षेप में प्रकट करते हैं तो उसे अनुच्छेद लेखन कहते हैं। सर्वप्रथम हम लोग अनुच्छेद लेखन की चर्चा करते हैं। अनुच्छेद का अर्थ क्या होता है? अनुच्छेद का अर्थ होता है परस्पर संबंध अर्थात जुड़े हुए कुछ वाक्यों का समूह। अनुच्छेद, जिसको अंग्रेजी में पैराग्राफ भी कहते हैं, गद्य लेखन की एक छोटी विधा है। किसी विषय पर थोड़े किंतु चुने हुए शब्दों में अपने विचार प्रकट करने के प्रयास को अनुच्छेद लेखन कहा जाता है। यह स्वतंत्र रूप में भी लिखा जा सकता है तथा किसी लेख, निबंध या रचना का अंश भी हो सकता है, किंतु स्वयं में यह पूर्ण होना चाहिए। इसका मुख्य कार्य किसी एक विचार को इस तरह लिखना होता है जिसके सभी वाक्य एक दूसरे से बंधे होते हैं। एक भी वाक्य अनावश्यक और बेकार नहीं होना चाहिए। उदाहरण लेते हैं, हम मान लीजिए आपको कहा जाए जल प्रदूषण पर एक अनुच्छेद लिखिए। जब भी हमें अनुच्छेद लिखने के लिए कहा जाता है, हम अपने मन में प्रश्न सोचते हैं कि हम इसके ऊपर क्या लिखें या क्या लिखना चाहिए। तो अगर हमें कहा जाए जल प्रदूषण पर एक अनुच्छेद लिखने के लिए, तो हमें सोचना चाहिए कि हमारे जीवन में जल का महत्व क्या है, जल प्रदूषण के कारण एवं इसके दुष्प्रभाव क्या हैं। ये अगर हम इसके आंसर हम सोच लेते हैं, फिर हम लिखना शुरू करते हैं। कोई सूक्ति या कोई कविता अनुच्छेद से अगर ऊपर लिख दी जाए, उस अनुच्छेद को अच्छा माना जाता है। जैसे इस उदाहरण में हमने सूक्ति ली है, जल ही जीवन है। अनुच्छेद अगर हम इस पे लिखना है तो हम आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जल सभी प्राणियों के जीवन हेतु आवश्यक होता है, मनुष्य तथा जीव जंतुओं को शुद्ध जल मिलना अत्यंत आवश्यक है, बिना जल के धरती पर कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकते, जल प्रदूषण नदियों में गंदगी फैलाने से होता है जो मुख्यतः नालों से, कारखानों से आने वाले कचरों व गंदगियों के कारण होता है, फिर वही नदियों का पानी हमारे घरों में आता है तथा जीव जंतु पीते हैं जिससे भयंकर बीमारी होती है। सभी व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि जल प्रदूषण ना करें ताकि सभी लोग निरोग जीवन जी सकें। तो आपने इस उदाहरण में देखा कि कैसे हम शुरुआत किए जल जीवन से, फिर हमने उसकी चर्चा किया कैसे उसका प्रदूषण होता है और फिर प्रदूषण को क्यों रोका जाए। तो यह एक संपूर्ण अनुच्छेद हो गया। अब हम बात करते हैं कि अनुच्छेद कैसे लिखा जाए। सबसे प्रश्न ही आ जाता है कि अनुच्छेद लिखा कैसे जाए। तो अनुच्छेद लिखने के कुछ पॉइंट की चर्चा हम यहाँ करते हैं। दिए गए विषय पर लेखक अपने अर्जित ज्ञान, निजी अनुभव तथा सशक्त भाषा के द्वारा अपने विचारों को अनुच्छेद के रूप में अभिव्यक्त करता है। अर्थात अगर जल प्रदूषण का ही उदाहरण लिया जाए तो उसके बारे में जो आपके पास ज्ञान होगा, जो आपका निजी अनुभव होगा, उसको आप भाषा के रूप में व्यक्त करेंगे। चुने हुए विषय पर थोड़ा चिंतन मनन आवश्यक है ताकि मूल भाव भली भांत स्पष्ट हो सके।
अर्थात अगर आप कोई भी टॉपिक है, अगर जल प्रदूषण ही टॉपिक है, वायु प्रदूषण टॉपिक है, तो सर्वप्रथम उस पर मनन करना चाहिए कि इसके अंतर्गत हमें क्या लिखना है, उसके बाद ही आगे लिखनी चाहिए। मूल भाव से संबंध विविध आयामों के बारे में सोचकर एक रूपरेखा बना लेनी चाहिए जिससे विषय का विस्तार किया जा सके, अर्थात क्या क्या उस अनुच्छेद में आप रखेंगे। जैसे हमने पूर्व के उदाहरण में देखा कि पहले जल की महत्व को बताया गया, फिर जल प्रदूषण कैसे होता उसको बताया गया, फिर हमने कहा कि जल प्रदूषण क्यों रोकना चाहिए इसकी चर्चा की गई। तो उसी रूपरेखा की बात कर रहे हैं हम। अनुच्छेद लिखते समय क्रमबद्धता बनी रहनी चाहिए। एक हर जो भी वाक्य आप बनाएं उसमें क्रम होना चाहिए कि इसके बाद क्या क्रम लिखेंगे हम, इसके नेक्स्ट के बाद क्या क्रम होगा, तो वो एक क्रमबद्धता बनी रहनी चाहिए। अनुच्छेद में वाक्य छोटे छोटे और एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। वाक्य बहुत बड़े नहीं होना चाहिए, छोटे छोटे होना चाहिए, परंतु एक दूसरे से जुड़े होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि इसके पहले वाला वाक्य कुछ और है और नेक्स्ट आप कुछ और दे दें। अनुच्छेद की भाषा सरल किंतु प्रभावशाली होनी चाहिए। अनुच्छेद लिखते समय शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए, अर्थात अनुच्छेद बहुत बड़ा ना हो जाए कि वो निबंध का रूप धारण कर ले। हम आगे निबंध की चर्चा भी करेंगे। अनुच्छेद में अप्रासंगिक या अनावश्यक बातों का उल्लेख नहीं करना चाहिए। जो भी आपका विषय है केवल वहीं तक सीमित होना चाहिए। कोई भी अप्रासंगिक या जो बातें आपको लगती हैं कि इसमें सम्मिलित नहीं होनी चाहिए उसको कभी भी सम्मिलित ना करें। अनुच्छेद लिखते समय शब्द चयन पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। अनुच्छेद में एक ही बात को बार बार नहीं दोहराना चाहिए, अर्थात एक बात अगर आप एक वाक्य में लिख चुके हैं फिर उसको दोहराएं नहीं, दोबारा ना लिखें। अनुच्छेद लिखते समय किसी प्रकार की भूमिका या उपसंहार की आवश्यकता नहीं होती है। जब भी अनुच्छेद लिखे इसमें किसी भूमिका की जरूरत नहीं होती है, कोई उपसंहार की जरूरत नहीं होती है। भूमिका उपसंहार हम अगले में पढ़ेंगे जो निबंध में होता है, क्योंकि अनुच्छेद छोटा रूप होता है तो इसमें कोई भूमिका या उपसंहार की आवश्यकता नहीं होती है, जैसा कि हमने पूर्व के उदाहरण में देखा है। यदि हम अनुच्छेद के आरंभ में अनुच्छेद से संबंधित सूक्त उदाहरण या कविता की पंक्ति लिख दें तो अनुच्छेद प्रभावशाली बन जाता है। जैसे हमने उदाहरण में दिखाया कि जल ही जीवन है, या जो भी विषय पर आपको कुछ अनुच्छेद लिखना है उससे संबंधित कोई कविता आ जाए, कोई उदाहरण आ जाए, अगर उसके ऊपर हम लिख देते हैं तो वो अनुच्छेद प्रभावशाली बन जाता है, अर्थात पाठक को अच्छा लगता है। अब हम बात करते हैं कि क्या विशेषता होगी अनुच्छेद की। तो अनुच्छेद की कुछ प्रमुख विशेषताओं की अब हम चर्चा करते हैं, जिसमें पहला आता है पूर्णता। जो भी अनुच्छेद, जैसे हमने इसके उदाहरण में चर्चा किया था कि अनुच्छेद होता है वो स्वतंत्र रूप से भी होता है या किसी लेख का भाग हो सकता है, तो अगर स्वतंत्र हो या किसी लेख का भाग हो तो वो उसमें पूर्णता होनी चाहिए, अर्थात वो एक अनुच्छेद चाहे वो 100 शब्द का हो चाहे 200 शब्द का हो अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। क्रमबद्धता, हर एक वाक्य के बाद क्रम होना चाहिए, अर्थात जो भी उदाहरण आपने देखा है कि पहले जल क्या है, जल की आवश्यकता क्या है, जल का कैसे दुरुपयोग हो रहा है, कैसे प्रदूषण हो रहा है, फिर इसको दूर करने के क्या उपाय हैं, वो एक क्रमबद्धता बननी चाहिए। जो भी विषय हो उस विषय को आप क्रम से करते जाएं। विषय केंद्रिता, अर्थात अनुच्छेद को विषय पर केंद्रित होना चाहिए। आपका जो विषय है उस पर ही केवल फोकस करें, उससे हटकर आप ना जाएं। समासायिकता, जो भी आपका अनुच्छेद हो एक गागर में सागर भरने वाली बात होनी चाहिए। आपका वो 100 शब्दों का या 200 शब्दों का बिल्कुल एक सामसायिकता होनी चाहिए, अर्थात पूरी उसमें अर्थ को सम्मिलित होना चाहिए। विषयानुकूलन भाषा शैली, जिस विषय पर आप लिख रहे हैं अनुच्छेद उसके अनुसार ही भाषा शैली होनी चाहिए। अगर प्राचीन विषयों पर लिख रहे हैं फिर आप कोशिश करिए कि प्राचीनतम भाषा जो है वो उसमें आप अलंकृत करें, अथवा अगर कुछ आधुनिक तकनीकी के
ऊपर लिख रहे हैं तो उसके अनुसार भाषा शैली होनी चाहिए। नेक्स्ट है सीमित एवं संतुलित आकार। कहने के तात्पर्य यह है कि अनुच्छेद ना तो बहुत बड़ा हो, अगर अनुच्छेद बहुत बड़ा हो जाएगा तो वो एक निबंध का रूप ले लेगा और वो बोरियत हो जाएगा, और ना ही बहुत छोटा भी ना हो, ऐसा ना हो कि केवल आप 10 वाक्य या 5 वाक्य में अनुच्छेद ख़त्म कर दें। तो ये अनुच्छेद की कुछ विशेषताएं हो गई। अब हम बात करते हैं निबंध लेखन पर। निबंध क्या है? सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि निबंध कहते किसे हैं। तो निबंध शब्द नी और बंध दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है नियमों से बंधी हुई रचना या लेख। निबंध एक ऐसी स्वतंत्र रचना को कहते हैं जिसमें सीमित समय में हम अपने विचारों को सुसंबद्ध तरीके से प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि किसी एक विशेष विषय पर लिखी गई रचना जिनमें चयनित विषय के अनुसार क्रमबद्ध रूप पाठक के सामने प्रस्तुत की जाती है, जिनमें विषय वस्तु की सार गर्भित और विस्तृत जानकारी प्रदान की गई हो, उसे निबंध कहा जाता है। निबंध के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, परिचय या प्रस्तावना, मध्य भाग और उपसंहार। परिचय या प्रस्तावना, इस भाग में निबंध की विषय वस्तु का परिचय दिया जाता है, जिससे पाठक को अगले भाग को समझने में मदद मिलती है। मध्य भाग, यह निबंध का शरीर अथवा मुख्य भाग होता है, इससे विषय वस्तु का विस्तृत वर्णन होता है तथा यह अनेक अनुच्छेदों में प्रतिपादित किया जाता है। उपसंहार, किसी भी हिंदी निबंध के अंतिम भाग को उपसंहार कहा जाता है, इसके अंतर्गत संपूर्ण लेख का संक्षिप्त सार दिया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी आप निबंध लिखें, आप यह 3 अंगों को जरूर ध्यान रखें। पहले उस निबंध का परिचय, जो विषय पे आपको निबंध लिखना है उसका परिचय दें, उसका प्रस्तावना दें, फिर आपके मध्य भाग में उसका विस्तृत रूप दें, जो भी आपको बात कहनी है वो मध्य भाग में आती है। उपसंहार में जो भी आप लिखे गए हैं उसका एक आपको मूल सार दिया जाता है कि हमने इस निबंध में क्या क्या बातें कवर की हैं। अब हम बात करते हैं निबंध के प्रकारों की। निबंध कितने प्रकार के होते हैं? सामान्यतः निबंध 4 प्रकार के होते हैं, विवरणात्मक निबंध अथवा इसको विशेषणात्मक निबंध भी कहते हैं, वर्णात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध तथा भावनात्मक निबंध। विवरणात्मक निबंध, इस प्रकार के निबंध में तथ्यों के आधार पर विश्लेषण के माध्यम से ज्ञानवर्धन पर जोर दिया जाता है। अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संबंध जैसे विषयों पर आधारित निबंध इस श्रेणी में आते हैं, यानी कि अर्थव्यवस्था हो गया या अंतर्राष्ट्रीय संबंध जैसे निबंध हमें लिखने होते हैं, वो सारे निबंध विवरणात्मक निबंध के अंतर्गत आते हैं। वर्णात्मक निबंध, इसमें विषय वस्तु का सामान्य वर्णन होता है, इस प्रकार के निबंध लेखन की दृष्टि से सरल भी होते हैं। उदाहरण के तौर पर किसी पर्व पर निबंध लिखना, किसी त्यौहार पर निबंध लिखना, किसी स्थान पर निबंध लिखना, किसी व्यक्ति पर निबंध लिखना आदि श्रेणियों के निबंध इसी के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है विचारात्मक निबंध, इस प्रकार के निबंध में विचारों की प्रधानता होती है, ऐसे निबंधों में विषय प्रतिपादन के लिए तर्क देना आवश्यक होता है, अर्थात ऐसे निबंधों में पक्ष विपक्ष लाभ हानि सकारात्मक नकारात्मक आदि का विस्तृत वर्णन होता है। जैसे आपको कहा जाए कि विज्ञान से हानि या लाभ, नक्सलवाद आतंकवाद, इसके ऊपर निबंध लिखिए, तो ये सब निबंध विचारात्मक निबंध के अंतर्गत आ जाते हैं, क्योंकि इन सभी निबंधों में आप तर्क देते हैं, पक्ष और विपक्ष की बात करते हैं। जैसे विज्ञान से
कुछ हानि भी होती है तो विज्ञान से लाभ भी है वो। तो जहाँ पक्ष विपक्ष, लाभ हानि, सकारात्मक नकारात्मक आदि आता है, वहाँ उसको हम विचारात्मक निबंध कहते हैं। भावनात्मक निबंध, किसी विचार या कथन की विषय वस्तु पर लिखा गया लेख भावात्मक निबंध कहलाता है। इस प्रकार के निबंध में विचार और तर्क की अपेक्षा आत्माभिव्यक्ति और प्रतिक्रिया की प्रधानता होती है। इनकी भाषा अधिकाधिक मर्मस्पर्शी, काव्यात्मक तथा लालित्यपूर्ण होती है। इन्हें चिंतन निबंध भी कहा जाता है, क्योंकि किसी विचार पर लेखक अपनी सोच और ज्ञान को क्रमबद्ध ढंग से निबंध का रूप देता है। उदाहरण के तौर पर, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो, इस पे निबंध लिखना है तो इस पे आप तर्क वितर्क नहीं देंगे, इस पे आप अपने भावनाओं को व्यक्त करते हैं कि यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो क्या करता। ये एक मौलिक कल्पना होती है, ये पूरी कल्पना पर आधारित होती है। तो जो भी निबंध मौलिक कल्पना पर आधारित होते हैं अथवा भावना पर आधारित होते हैं, वो भावनात्मक निबंध के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं कि निबंध लिखने के तरीके पे, कि निबंध कैसे लिखा जाए, उसका क्या तरीका हो। चाहे कोई भी निबंध विषय हो, उस पर लिखने से पूर्व अपने ज्ञान और अनुभव से उस विषय के बारे में सोचें, तत्पश्चात उस पर लिखना आरंभ करें। साथ ही उस लेख को लिखते समय दिमाग में आने वाले विचारों को सही क्रमबद्धता दें। अगर आपको कोई भी विषय मिल जाए, उस पर पहले आपको मनन करनी चाहिए कि इसमें हमें क्या लिखना है, उसके बाद ही लिखने की शुरुआत करें। किसी भी निबंध की शुरुआत उसके विषय परिचय अर्थात प्रस्तावना से करनी चाहिए। जैसे हमने अभी पीछे चर्चा किया था कि निबंध के तीन अंग होते हैं, पहला प्रस्तावना, दूसरा मध्यभाग, तीसरा उपसंहार। तो जब भी आप निबंध की शुरुआत करें तो प्रस्तावना से ही शुरुआत करें, यानी उस विषय की परिचय देते हुए शुरुआत करना चाहिए। प्रस्तावना के बाद उसके मध्य भाग को लिखें तथा अधिक विस्तृत करने के उद्देश्य से उसमें विषय वस्तु से अनावश्यक सामग्री को नहीं जोड़ें। मध्य भाग निबंध का सबसे बड़ा भाग होता है, परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको बड़ा बनाने के लिए आप अनावश्यक सामग्री को जोड़ते जाएं, अप्रासंगिक विषयों को उसमें जोड़ते जाएं। बिल्कुल आपका जो मध्य भाग होता है विषय के अनुकूल ही होना चाहिए, विषय के अनुसार होना चाहिए। किसी भी निबंध की समाप्ति उसके उपसंहार अथवा सार से करनी चाहिए, अन्यथा उसे अधूरा ही समझा जाता है। जब आप निबंध लिखते हैं तो उसका एक उपसंहार लिखते हैं। उदाहरण के तौर पे, अगर आपने विज्ञान से लाभ और हानि लिखा, आपने चर्चा किया कि विज्ञान से क्या लाभ हैं, उसके हानियों को भी बताया। अगर आप यही निबंध ख़त्म करते हैं तो आपका यह निबंध पूरा नहीं माना जाएगा। आपको निश्चित तौर से उपसंहार देना होगा कि आपका क्या विचार है, क्या है, विज्ञान से लाभ है, हानि है, या दोनों है। वो तो वो उपसंहार के अंतर्गत आता है वो। तो कहने का तात्पर्य है कि जब भी निबंध लिखें तो उसमें उपसंहार अवश्य लिखें, अन्यथा वह निबंध अधूरा ही समझा जाएगा। निबंध लिखते समय कुछ बातों को ध्यान रखनी चाहिए, जिसकी हम चर्चा आप करते हैं कि वो बातें कौन कौन सी हैं। निबंध लिखने से पूर्व निबंध की रूपरेखा बना लेनी चाहिए। रूपरेखा से तात्पर्य है कि आप पहले से यह सोच लें कि आपको क्या क्या करना है, कैसे आप निबंध को आगे बढ़ाएंगे। जिसमें रूपरेखा बनाते समय है यह तीन बातें तो अवश्य ध्यान रखनी चाहिए कि प्रस्तावना या परिचय, मुख्य भाग या मध्य भाग और उपसंहार, ये तीन तो रहेंगे ही, परंतु मुख्य भाग को भी आपको डिवाइड कर लेना चाहिए कि मुख्य भाग में क्या क्या आपको लिखना है। उदाहरण के तौर पे, अगर आप विज्ञान से लाभ और हानि लिख रहे हैं तो
आप पहले विज्ञान के लाभ और हानि के बारे में विषय परिचय दे दीजिए, फिर मुख्य भाग में आप एक रूपरेखा बना लीजिए कि पहले आप विज्ञान के लाभ को लिखेंगे, लाभ के उदाहरण को बताएंगे, फिर आप विज्ञान के हानि को लिखेंगे, उनके उदाहरणों को बताएंगे। तो एक जो भी है आपको एक रूपरेखा बना लेनी चाहिए, तभी आप सफल रूप से निबंध लिख पाएंगे। किसी भी निबंध की शुरुआत उसके परिचय से करनी चाहिए और अंत में उपसंहार अवश्य लिखना चाहिए। यह बात मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यह निबंध का बहुत ही आवश्यक पहलू है कि कोई भी निबंध उसके विषय परिचय से करें और अंत में उपसंहार अवश्य लिखें। सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, जहाँ तक हो अपना भाषा शुद्ध रखें एवं शब्दों को सरल रूप में रखें। विराम चिन्हों एवं पूर्ण विराम का सही प्रयोग करना चाहिए। जो भी वाक्य बनाएं वहाँ पे कामा, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, इन सब का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर इन सब चीज़ों का आप ध्यान नहीं रखेंगे तो किसी भी वाक्य का कुछ और अर्थ निकल सकता है। अतः विराम चिन्हों एवं पूर्ण विराम का सही प्रयोग करें। निबंध का आकार न अधिक छोटा और न ही अधिक बड़ा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि निबंध इतना छोटा लिख दें आप कि वो अनुच्छेद के बराबर हो जाए, और इतना भी बड़ा ना हो कि वो उसमें बोरियत होने लगे और अप्रासंगिक विषय आप जोड़ने लगे वो। तो निबंध का आकार ना अधिक छोटा होना चाहिए और ना अधिक बड़ा होना चाहिए। विचारों और वाक्यों में उचित लय और क्रमबद्धता होनी चाहिए, अर्थात आप जो भी विचार आप अपने विचार आपके मस्तिष्क में आ रहा है उसको वाक्यों में एक क्रम में रखिए, एक उचित लय में रखिए वो, कि आप क्या सोच रहे हैं कि हाँ पहले क्या होगा उसके बाद से आप क्या रखेंगे वो। तो एक लय बनी होनी चाहिए, एक क्रमबद्धता होनी चाहिए। निबंध विषय से नहीं हटना चाहिए, इसके केंद्र में हमेशा विषय वस्तु होनी चाहिए। जो भी आप वाक्य लिखें हमेशा उस विषय से संबंधित ही विषय सामग्री को लिखें, उस विषय वस्तु से भटकना नहीं चाहिए। अनावश्यक विस्तार से बचते हुए सारगर्भित जानकारी देने का अधिकतम प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप निबंध विस्तार पूर्वक जाने के लिए आप अनावश्यक बातें या अन्य विषयों से संबंधित बातें उसमें जोड़ने लगें। कोई भी निबंध हो सारगर्भित होने चाहिए। बड़ा होना निबंध का मकसद नहीं होता है, निबंध का मकसद होता है सारगर्भित होना, यानी मुख्य बातें उसमें आप सम्मिलित करें, बहुत अधिक बढ़ाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि अच्छे निबंध की क्या विशेषता है। अच्छे निबंध में शुद्ध एवं स्पष्ट भाषा होता है, यानी भाषा आपके शुद्ध होनी चाहिए, मात्राओं का ध्यान रखें, कामा का ध्यान रखें, पूर्ण विराम का ध्यान रखना चाहिए और स्पष्ट भाषा का आपको ध्यान रखना चाहिए। विचारों की क्रमबद्धता एवं संबद्धता होनी चाहिए। जो भी निबंध लिखते समय आपके विचार आ रहे हैं वो एक क्रम से आनी चाहिए और उन विचारों में संबद्धता होनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि एक वाक्य कुछ और लिख रहे हैं उससे रिलेटेड वाक्य कुछ संबंधित दूसरा हो जाए वो। इसीलिए एक अच्छा निबंध तभी कहा जा सकता है जबकि विचारों की क्रमबद्धता हो एवं उनमें संबद्धता हो। विषय केंद्रित होना चाहिए, जो भी विषय हो उसी विषय के इर्द गिर्द ही आप रखें, उससे बिल्कुल भटके ना। अगर आपके विज्ञान के लाभ और हानि लिखना है तो विज्ञान के लाभ और हानि के आसपास ही रहें। अगर आपको आतंकवाद के ऊपर लिखना है तो उसके इर्द गिर्द रहें। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो भी आपको निबंध के विषय मिलें उसके केंद्र में ही होना चाहिए। निबंध सारगर्भित होना चाहिए, सारगर्भित यानी कि बहुत बड़ा ना हो, वो मूल बात जो आप कहना चाहते हैं, जो अपने पाठक को बताना चाहते हो वो होना चाहिए, यानी एक गागर में सागर भरने वाली बात होनी चाहिए। तो निबंध अच्छा निबंध वही कहा जा सकता है जो सार गर्भित हो। प्रस्तावना, मुख्य भाग एवं उपसंहार, जो कि निबंध के सबसे आवश्यक ये तीन अंग हैं, ये जरूर होने चाहिए। यानी कि आप निबंध की शुरुआत प्रस्तावना से करें, फिर मुख्य भाग लिखें,
फिर उसके बाद उपसंहार दें। आज हमने ये चर्चा किया, हम इसको एक सारांश में लेते हैं कि क्या क्या हमने आज चर्चा किया। तो हमने चर्चा किया कि अनुच्छेद, उच्च लेखन में अनुच्छेद और निबंध लेखन। उच्च लेखन नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि अगर आप प्राथमिक स्तर के बच्चों को देखें तो पहले वो लिखना शुरू करते हैं, उसके बाद से जब सुलेख लिखते हैं फिर उच्च लेखन पे आते हैं, यानी कि उनको अनुच्छेद और निबंध लिखने के लिए कहा जाता है। तो अनुच्छेद की हमने चर्चा की कि अनुच्छेद क्या है, फिर हमने चर्चा किया कि अनुच्छेद को कैसे लिखा जाए। हमने उदाहरणों की चर्चा की कि अनुच्छेद वाक्यों का एक संगठन है, वाक्यों की क्रमबद्धता है। फिर हमने कैसे, उसके क्या क्या खूबियां हैं उसकी चर्चा किया गया। फिर हमने बात की निबंध की कि निबंध क्या है, निबंध का अर्थ क्या है, निबंध के कितने प्रकार हैं उन प्रकारों की चर्चा की, निबंध को लिखने के तरीकों की बात की कि निबंध कैसे लिखा जाए और कौन सा निबंध किस श्रेणी में आता है उसकी हमने चर्चा की। और फिर हमने बात की कि निबंध के कौन कौन से भाग होते हैं, मुख्य रूप से तीन भागों की जो हमने चर्चा की, प्रस्तावना, मुख्य भाग एवं उपसंहार। और फिर लास्ट में हमने ये कहा कि क्या है निबंध की, एक अच्छे निबंध की विशेषताएँ क्या क्या हैं। तो इसी के साथ आज का ये चर्चा समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, आपको ये फ़ायदेमंद लगा होगा। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।